इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन 15 मई को आएंगे। 16 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बोलेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए टास्क की समीक्षा भी होगी। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की 3 महीने की कार्य योजना तैयार की जानी है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं ओम माथुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 4.5 साल भाजपा नेता सोते रहे, अब बुजुर्ग नेता छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। ओम माथुर बुजुर्ग नेता हैं, उनका सम्मान है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी समय में दौरे से भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। माननीय नितिन नवीन जी, माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी कल रायपुर आएंगे 15 तारीख को, और 16 तारीख को दिन भर विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे और इस अभियान को लेकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे और आगे के अन्य कार्यक्रमों की भी चर्चा बातचीत इस बैठक में होगी। ओम माथुर बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अभी इस बुढ़ापे में अब इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसका दौरा कराएंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 4.5 साल तक सोए थे, कुछ किए नहीं है और उसके करने की कुछ जगह भी नहीं है, तो अब उसको घुमाएंगे तो मैं समझता कि उसको कुछ लाभ मिलने वाला है।